मध्य प्रदेश के खरगोन में पर्यटन नगर महेश्वर में खेलो इंडिया 2022 के तहत देश के एकमात्र नर्मदा के नेचुरल ट्रैक सहस्त्र धारा पर केनो सलालम प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जहां सहस्त्र धारा में केनो सलालम के लिए खिलाड़ी अपने जोहर दिखाएंगे। महेश्वर की सहस्त्र धारा में पहली बार यूथ गेम्स में वाटर गेम्स खेले जाएंगे। जिला खेल अधिकारी पवि दुबे ने बताया, सोमवार को सहस्त्र धारा पर ओपनिंग सेरेमनी हुई। इसके बाद 6 और 7 फरवरी को होने वाले केनो सलालम प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसमें 15 राज्यों के 16 पुरुष और 16 महिला खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए। खेल अधिकारी ने कहा कि पहले दिन 8-8 महिला पुरुष दोनों वर्ग की एक एक इवेंट होगी। प्रतियोगिता के बाद सहस्त्र धारा पर ही मेडल सेरेमनी में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल से नवाजा जाएगा। इस नेशनल गेम्स में प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी शिरकत करेंगी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सर, ये खेलो इंडिया के तहत महेश्वर का पहला देश का एकमात्र ट्रैक है जहाँ पर केनो सलालम का कॉम्पिटिशन है, क्या कुछ? बड़ी खुशी की बात है कि आज मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो खेलो प्रतियोगिता चल रही है उसमें खरगोन जिले का महेश्वर माँ नर्मदा की नेचुरल ट्रैक पर खेलो सलालम प्रतियोगिता कुछ देर प्रारंभ होने वाली है और इसमें हमारे 15 राज्यों के 32 खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। खेल विभाग ने पूरी तैयारी की है, सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए हुए हैं और महेश्वर आज से इस गेम के बाद में मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सभी खिलाड़ियों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। सर, मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी जीतने की उम्मीद है? अब ये तो अभी कुछ देर में पता लग ही जाएगा। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। मुझे इस खेल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने भी पहली बार देख रहा हूँ, पर वो है शानदार खेल हो रही है खेलो इंडिया के तहत। जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ही नेचुरल वेन्यू है ये, यहाँ पानी की वेग बहुत है, स्पीड काफ़ी है, तो क्योंकि बाहर के खिलाड़ी आए हुए हैं और इस प्रकार की लोकेशन पे उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो हमारी प्राथमिकता है दोनों दिन की इवेंट्स में खिलाड़ियों की सुरक्षा का विशेष इंतजाम किए जाएँ। तो पूरे ट्रैक पर हमने अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम टीमें लगाई हुई हैं, SDRF की टीमें भी लगी हैं, तो पूरे सुरक्षित वातावरण में ये दोनों इवेंट सक्सेसफुली हों, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगातार इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसमें 15 राज्यों के एथलीट्स आए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, थोड़ी देर में इवेंट की प्रारंभ होगी। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने जाने के लिए ट्रैक भी तैयार किया गया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी दिनों से टीमें लगी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम हुआ है और यहाँ के जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उन्होंने ट्रैक पे जो टेक्निकली चीज़ें होनी चाहिए थी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया है। सारे खिलाड़ियों का अभी तक का एक्सपीरियंस इस ट्रैक को लेके और इस प्लेस को लेके बहुत ही ज़बरदस्त रहा है और निश्चित रूप से खिलाड़ी इस इवेंट को बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छी यादें लेके महेश्वर से जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।